28 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द ईयर 2018-19 and 2019-20। ठीक है तो गाइस, ये जो हमारे न्यूज़ है सोशल इशूज़ में कवर होगी। अभी ये फर्स्ट एवर रिपोर्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, जो 2018-19 और 2019-20 दोनों सालों की निकाली गई है। किसके द्वारा रिलीज की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो हम इंडेक्स निकाल रहे हैं इसको ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, अब इससे ये पता चल जाएगा डिस्ट्रिक्ट को कि वहाँ पर उसको किस एरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी स्कूल एजुकेशन में। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कितना पीछे है, ठीक है, तो उसको ये पता चल जाएगा कि वहाँ कहाँ किस चीज़ में वो लैग कर रहा है, किस इंडिकेटर में लैग कर रहा है और किस एरिया पे उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इससे हम अपनी हाईएस्ट ग्रेड की एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को 10 ग्रेड्स, मतलब कि 10 में से हम नंबर देते हैं, पीजीआईडी ग्रेड्स आर डिस्ट्रिक्ट इनटू द 10 ग्रेड्स। ठीक है, हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा अचीव करते ग्रेड उसको हम दक्ष बोलते हैं, मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने 90% से भी टोटल पॉइंट्स को कवर, मतलब कि अचीव किया। लोएस्ट ग्रेड को हम आकांक्षी 3 बोलते हैं, जिसने विच स्कोर अप टू ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा इसके बीच के जो ग्रेड्स होते हैं, मतलब हाईएस्ट तो दक्ष हो गया और उसके बीच के सबसे लास्ट आकांक्षी हो गया, उसके बीच के मतलब जो 81-90% अचीव करे उसको उत्कर्ष बोलते हैं, 71-80% को अति उत्तम बोलते हैं, 61-70% को उत्तम बोलते हैं, 51-60% को प्रचेष्टा 1 बोलते हैं, 41-50% को प्रचेष्टा 2 बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, टोटल वेटेज होती है 600 पॉइंट्स की और इसको 6 कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है। ठीक है, अब 6 कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये 6 के 6 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इफेक्टिव क्लासरूम कितना अच्छा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, स्कूल में सेफ्टी कितने, बच्चे कितने प्रोटेक्टेड हैं, डिजिटल लर्निंग कितनी है, कंप्यूटराइज कितने हैं, गवर्नेंस प्रोसेस कैसी है और वहाँ के आउटकम्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं बच्चों के 10th के या प्लस 2 के। ठीक है, इसके अलावा और क्या सिमिलर, इस कैटेगरीज को फिर अगेन 12 डोमेन्स में बांटा गया है। ठीक है, इसके अलावा सिमिलर इनिशिएटिव और हैं इससे रिलेटेड, जैसे एक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो मिनिस्ट्री एजुकेशन रिलीज़ करती है, जो स्कूल एजुकेशन की इफेक्टिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्कूल इक्वलिटी इंडेक्स है जो नीति आयोग रिलीज़ करती है। तो गाइस कौन सा इंडेक्स, कौन सी बॉडी रिलीज़ करी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। अब गाइस आपको ये जो हमने देखा है, ये जो इंडेक्स आया है, इसमें टॉप 5 अचीवर्स कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, चंडीगढ़, गुजरात, केरला, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। इसके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट ने दक्ष को अचीव नहीं किया, मतलब 90% अचीव नहीं किया दोनों सालों में। इसके अलावा जो राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे सीकर, झुंझुनू और जयपुर, ये बेस्ट परफॉर्मेंस में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, 4th वर्किंग ग्रुप मीट ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क नैरोबी, केन्या। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या जो वर्किंग ग्रुप है जिसकी मीटिंग हुई है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्या करना है, एक कॉन्सेंसस में आना है, मतलब कि एक एग्रीमेंट में आना है पोस्ट, मतलब 2020 के बाद जो भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, मतलब दो क्योंकि पैंडेमिक आई तो उसके बाद अब किस तरह से, या एक डिकेड है अगला जो पूरा डिकेड आ रहा है 2021 से 2030 तक का, उसमें आप किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या फ्रेमवर्क बना सकते हो, तो उसे एक एग्रीमेंट पे आना है और ये फाइनलाइज होगा 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे टू द कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिड नॉट मटेरियलाइज। ठीक है, अब क्या है, ये जो बना हुआ है फ्रेमवर्क, ये बिल्ड है किस पे, ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर कुछ एच ही बायोडाइवर्सिटी टारगेट। देखो कहते जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर हमारे 17 गोल्स हैं, उससे पहले एच ही बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स होते थे जो कि 8 टारगेट्स होती हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कंट्रीज़ को गाइड करेंगे कौन से आप एक्शन ले सकते हो, सो दैट यू कैन प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचर एंड असेंशियल सर्विसेज, जो भी हमारी नेचर से हम असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है नेचर टू पीपल, एंड एंश्योर दैट द शेयर्ड विजन ऑफ लिविंग इन हारमोनी विद नेचर, मतलब कि हम किस तरह से सस्टेनेबल वे में नेचर के साथ रह सकते हैं। ठीक है, अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सभी एस्पेक्ट्स को कवर होता है, जैसे किस तरह से हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उसको किस तरह से आप सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स आप नेचर से ले रहे हो या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ले रहे हो, तो उसको आप किस तरह से फेयर और इक्वल वे में शेयर कर सकते हो। ठीक है, प्रोटोकॉल्स क्या हैं इसके, एक आया था नगोवा प्रोटोकॉल ऑन असेसिंग बेनिफिट शेयरिंग, जिसका एम यही है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज से, जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बेनिफिट्स
लेते हैं, उसको किस तरह से शेयर करना है। एक है कार्टिकना प्रोटोकॉल एंड द बायोसेफ्टी, तो आपको पता होना चाहिए कार्टिकना प्रोटोकॉल किस पे, बायोसेफ्टी पे है, ठीक है। इसके अंदर एक किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, किसको किस तरह से हम सेफली हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। नगोवा कुआला लंपुर सप्लीमेंट प्रोटोकॉल आया था किस ऑन लियबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टिकना प्रोटोकॉल, फाइन। इसके अलावा डिजिटल सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन भी है जेनेटिक रिसोर्सेज में अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कंसीडर किया गया बाय वर्किंग ग्रुप ऑन पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क थर्ड मीटिंग में। डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन नेचुरल इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक सीक्वेंस डाटा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटा, जेनेटिक सोर्सेज, ये सब बोलते हैं, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है हीट वेव्स 2020-22 कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड वे फॉरवर्ड फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये जो न्यूज़ है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर हो सकती है, ठीक है। अभी क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ही एक सेंटर है, उसने क्या किया, कुछ हीट वेव्स को स्टडी किया, एनालाइज किया, ठीक है। उन्होंने देखा है कोज किया, मतलब हीट वेव्स आ क्यों रही है। उन्होंने बोला है कि राजस्थान मार्च में राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स में कुछ एंटीसाइक्लोन्स बने थे और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता होगी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे जो नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़ में सर्दियों में जो रेनफॉल होती है वो ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होती है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज भी ज़्यादा एबसेंट थी, मतलब नहीं आई, जिसकी वजह से सर्दियों में भी रेनफॉल नहीं आई, जिसकी वजह से जो हीट वेव्स वो जल्दी आ गई। आपने देखा होगा इस बार जो गर्मी है वो मार्च के ही महीने में जल्दी और भी अच्छी खासी गर्मी आ गई थी, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू बिकॉज एब्सेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब एंटीसाइक्लोन्स की वजह से क्या होता है, हॉट और ड्राई वेदर आ जाता है बिकॉज वो विंड्स को सिंक करता है अराउंड द हाई प्रेशर सिस्टम इन द एटमोसफेयर, ठीक है। अब हीट वेव का मतलब क्या होता है, हीट वेव होता है जो उस रीजन का अगर एवरेज इतना टेम्परेचर रहता है, अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे रहने लगे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, कुछ दिनों के लिए अगर दो दिन लगातार रह रहा है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ हीट वेव, ठीक है। हीट वेव इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर थ्रेशोल्ड ओवर अ रीजन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर और इट्स डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल। अब हीट वेव का इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो भी वहाँ की क्रॉप है उसको येलो और श्रिवलिंग कर सकती है और एंड फोर्स मैच्योरिटी। इसके बाद से मॉइस्चर ऑफकोर्स वहाँ से सारा निकल जाएगा, सनबर्न हो सकते हैं, फ्लावर भी झड़ेंगे। इसके अलावा आपके बॉडी का हाइयर टेम्परेचर होगा और आप में लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन के किस तरह से आप हीट वेव को मिटिगेट कर सकते हो, सबसे पहले राइट क्रॉप वैरायटी को ऑप्ट करके, एनिमल्स को बात करके, ठीक है, मल्चिंग टेक्निक को ऑप्ट करके। देखो मल्चिंग टेक्निक से क्या होगा, क्योंकि आप क्रॉप को बहुत नीचे उगाते तो उससे क्या है, जो मॉइस्चर होता है वो हमेशा रहता है क्रॉप में, ठीक है, और हीट वेव की वजह से सबसे पहले मॉइस्चर ही खत्म होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर रहे हो, हीट टॉलरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनको टाइमली मैनर में सो करो, अडॉप्ट करो, ठीक है। हमें पोटेशियम नाइट्रेट को स्प्रे करना चाहिए बूट लीफ पे और फ्लावरिंग स्टेज पे, सो दैट उसकी उस प्रोडक्ट की ईल्ड लॉस ना हो। इसके अलावा शुगर केन रिज की मल्चिंग करनी चाहिए, ठीक है, इससे सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व रहता है और स्ट्रेस मिनिमाइज होता है, ठीक है। फ्रूट ट्रीज को कवर करना चाहिए किसी भी शेड से, चाहे नेट या कॉटन क्लोथ, सो दैट सन स्कॉल्डिंग ना हो जाता, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, नीति आयोग लॉन्चेस रिपोर्ट ऑन इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो कई जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। कई बार हमने डिस्कस किया गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन होते हैं, तो बस प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो किसी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जुड़े होते हैं, जैसे अमेजन के डिलीवरी बॉय हो गया, जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो गए, दिस आर कॉल्ड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक है। तो गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, जो अपने दे आर एंगेज इन लाइवलीहुड्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स में, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जैसे ऐप्स के थ्रू करते हैं, जैसे स्विगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। जबकि जो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं, जो कैजुअली वेज, मतलब जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूरी पे काम करते हैं, ठीक है, मतलब उनका किसी का रिलेशन नहीं होता किसी कंपनी के एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से, या तो वो पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये जो रिपोर्ट है वो एक इट इज़ काइंड ऑफ स्टडी है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रस्पेक्टिव बताएं, मतलब इंडिया में जो गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ठीक है, उसका क्या, मतलब कि पूरा अभी तक क्या चिट्ठा है वो सब मतलब कि आगे लेके आ गया, और क्या रिकमेंडेशन है कि इस इकोनॉमी को हम किस तरह सुधार सकते हैं या फिर क्या इंटरवेंशन करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो वो सब लेके आएगा रिपोर्ट में, ठीक है। फाइंडिंग्स क्या, आप ये देखते हो 2020-21 में 77 लाख वर्कर्स गिग इकोनॉमी में एंगेज हैं, जो इंडिया की 1.5% ऑफ टोटल वर्कफोर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और माना जा रहा है 2029-30 तक ये जो वर्कर्स हैं वो 2.35
टाइम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट जो गिग वर्कर्स हैं, जो मीडियम स्किल्ड जॉब हैं, वो 47% है और हाई स्किल जॉब में 22% और लो स्किल जॉब में 31% है। ठीक है, रिकमेंडेशन ये बोला है कि हमें क्या करना है, जो भी लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स में मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको हमें फाइनेंस असेस करना है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना है उनके लिए। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं जो मतलब खुद कुछ प्रोडक्ट्स को या रीजनल प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे कुछ अगर स्पेशलिटी किसी डिस्ट्रिक्ट की अगर वो बेच रहे हैं तो उनको भी इनसे जोड़ना है। ठीक है, सो दैट हम उनके प्रोडक्ट्स को असेस दे सकें। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, जो प्लेटफॉर्म लेड ट्रांसफॉर्मेशन और आउटकम बेस्ड स्किलिंग है और सोशल इंक्लूजन बढ़ाना है थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसके अलावा हमें रेस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना है फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम क्या कर सकें, जो ऐसे वर्कर्स हो ना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दे सकें। ठीक है, जैसे अगर आप किसी फॉर्मल सेक्टर में हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस का मिल गया एंड मैनी मोर। ठीक है, तो इन लोगों को नहीं मिलता, तो इसलिए बोला कि इन लोगों को भी हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर कवर करना है। अभी रेस फ्रेमवर्क क्या है, जरा आपको बता देते हैं। रिकॉग्नाइज द वेरियड नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर टू डिज़ाइन इक्विटेबल स्कीम, मतलब कि हमें इसको हमने इसलिए बनाया था उधर जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको कुछ स्कीम्स का फ़ायदा लेके आ सके। इसके हम क्या करते हैं, उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंडर लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, उन लोगों का क्या स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, फैक्टरिंग द इम्पैक्ट ऑफ जॉब क्रिएशन प्लेटफॉर्म बिजनेस एंड वर्कर्स। ठीक है, इसलिए हम वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का सब्सक्राइब कर सकें, वेलफेयर प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठा सकें बाय यूजिंग उनको अवेयर करके। ठीक है, फिर इंश्योर बेनिफिट्स आर रेडली एसेसिबल टू वर्कर्स। ठीक है, इंश्योर करते हैं कि वो एक्चुअल में बेनिफिट्स वर्कर्स तक पहुँचे। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया ज्वाइंस G7 फॉर अदर्स टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच ऑनलाइन एंड द ऑफलाइन। तो क्या जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटिक गवर्नेंस में कवर होगी, इसमें क्या है, इंडिया के अलावा जो G7 कंट्रीज़ है और 4 इनवाइटेड कंट्रीज है जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, उन्होंने 2022 रेजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट को साइन किया। ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी कंट्री, G7 कंट्रीज में जो 7 कंट्रीज हैं, एक इंडिया होगी 8वीं कंट्री और 4 और कंट्री दैट इज अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, कुल मिला के 12 कंट्रीज ने ये साइन किया ये स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कंट्रीज जो साइन कर रही हैं वो अफर्म कर रही हैं कि हाँ वो दे आर कमिटेड कि वो काम करेंगी टुवार्ड्स अ इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस एंड रीअफर्म टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर आ रही है दुविधा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा, कोविड आ रहा है, तो उसमें वो इकट्ठे काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, इंक्लूसिव मतलब हर चीज़ को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल वे में करेंगे। ठीक है, रूल बेस्ड जो भी इंटरनेशनली चीज़ें आ रही हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या, इन्होंने नोट किया 2021 का कार्बिस बे ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट भी रिकॉग्नाइज़ किया कि किस तरह से जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं एंड थ्रेट्स आ रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को अराउंड द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट एज्यूम करती है कि जो भी चाइना के द्वारा सिग्निफिकेंट मूव्स लिए जा रही हैं, ठीक है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में एज वेल एज रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, तो इन सब को भी हमने कंसिडर किया है। अब इस स्टेटमेंट के क्या प्रिंसिपल क्या हैं, सबसे पहले ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं देखो सबसे पहले तो क्या, ऑफकोर्स क्योंकि आप इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं तो कोई किसी के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा, हर बंदा दूसरे स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगा, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेगा और अपनी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है वर्ल्ड वाइड एंड द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन्फॉर्मेशन एनवायरमेंट, हमें यह करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ओपिनियन दोनों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ठीक है, ओपन फ्री ग्लोबल इंटरऑपरेबल और रिलायबल एंड सिक्योर इंटरनेट इंश्योर करना है। सिविल सोसाइटी की बात किया जाए तो हमें फ्रीडम गार्ड करनी है, इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर, बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट मलाइन फॉरेन इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है इंक्लूजन एंड इक्वालिटी, हमें यह करना है फ्रीडम ऑफ थॉट को प्रोटेक्ट करना है, जो भी अपनी जिसकी जो मान्यता है कंसाइंस वो प्रोटेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजियस बिलीफ है उसको प्रोटेक्ट करना है और इंटरफेयर डायलॉग को प्रमोट करना है, सोशल कोहेजन एंड इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्यू टेकर्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट डिस्पाइट द पॉलिसी पुश। ठीक है, तो अभी ये बताया जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की काफ़ी हम मतलब कि उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने अभी तक नहीं लिए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और ये करते हैं मतलब अगर कोई पावर परचेसिंग कंपनी है जिसको पावर जो खरीदती है, ठीक है, तो वो ऑब्लिगेटरी है कि उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, एंड फैसिलिटेट कंप्लायंस ऑफ रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसका एम ये कि हमें क्या करना है, जो अवेलेबिलिटी है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के स्टेट में और जो रिक्वायरमेंट है उसकी मिसमैच को ख़त्म करती है। ठीक है, सपोज़ करो आपको चाहिए, आप कहीं और रह रहे हो, किसी और स्टेट में रह रहे हो, हरियाणा में रह रहे हो,
ठीक है, वहाँ पे इतनी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी और स्टेट में ज़्यादा अच्छा है अवेलेबिलिटी, जैसे गुजरात हो गया, तो वहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। इट इज़ एम्ड एट एड्रेसिंग द मिसमैच बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन स्टेट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑब्लिगेटेड एंटिटी, ठीक है। जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट कब मिलता है, अगर आप 1 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदते हो, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक सोलर होता है, एक नॉन सोलर होता है। इसको रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटेड कमीशन के द्वारा। इसके अलावा इनका ट्रेड भी किया जाता है दो प्लेटफॉर्म्स पे, एक तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और दूसरा पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एक 2003 के अंदर RPO मैंडेट है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस है उनको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा मिनिमम जो रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फैसिलिटीज और इशू करता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट को, ठीक है। अगर आप अपने रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करते तो आपको पेनल्टी लगेगी, और ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इशूज़ क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के, हाई प्राइस होता है और इसकी रेगुलेटरी अभी अच्छी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल कुछ ही स्टेट्स में है अभी, जैसे गुजरात वगैरह हो गया, और इससे अगर क्रॉस बॉर्डर वो ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को तो वो एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है। इसके अलावा सोलर रिन्यूएबल एनर्जी जो सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग लो है ड्यू टू द रिड्यूस फ्लोर एंड सीलिंग प्राइस ऑफ सोलर एंड नॉन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा क्यों लोग इतना नहीं खरीद पा रहे रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर एक तो एक्सपेंसिव है, अच्छे से रेगुलेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है, और प्राइस सबसे बड़ी है, प्राइस सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस में वो है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया मलेशिया डिफेंस टाइज। अभी के दोनों कंट्रीज़ ने टॉप डिफेंस लेवल टॉक्स हेल्ड करी हैं, जिसके अंदर फोकस किया गया इंडिया के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पे, साथ में Sukhoi-30 पे भी, ठीक है, जो कि मलेशियन एयरफोर्स फ्लीट का, ठीक है। डिफेंस टाइज जो दोनों कंट्रीज़ में है दे आर हेल्ड अंडर द मलेशिया इंडिया डिफेंस कॉपरेशन मीटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग लैंड चार्टर। अभी के 54 जो कॉमनवेल्थ मेंबर, देखो इस कॉमनवेल्थ मेंबर्स कौन से होते हैं, वो कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, देखो ये 1900 में क्रिएट किया गया था, इसके अंदर वो नेशंस के मेंबर्स हैं जो कभी किसी टाइम पे ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में होते थे, ठीक है। व्हेन नेशंस बिगन टू सक्सीड फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर टू ईज द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, इंडिया भी पार्ट है कॉमनवेल्थ नेशन का, ठीक है। तो अभी क्या है, जो 54 कॉमनवेल्थ मेंबर्स हैं दे एग्रीड कि वो वॉलंटियर डेडिकेट करेंगे एक लिविंग लैंड इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज टू फ्यूचर जनरेशन। इसका एम ये कि हम क्या कर सकें, मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट कर सकें सो दैट कुछ वो डिलीवर कर सकें अंडर द 3 रियो कन्वेंशन, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सिंपल बात की कुछ लैंड होगा, लिविंग लैंड होगा, वो डेडिकेट करेंगे अपनी कंट्रीज में टू फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कैलकुलेशन प्रॉब्लम। तो अभी क्या है, इसे सोशलिस्ट कैलकुलेशन डिबेट भी बोला जाता है। ये एक डिबेट होती है जिसमें ये क्वेश्चन उठता है कि वेदर जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज़ हैं वो जो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है, मतलब कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी है, स्कार्स हैं, उनको एलोकेट कर रही है एफिशिएंटली या नहीं। ये आर्गू किया जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज इन द केस ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी देयर इज़ नो मार्केट फॉर रिसोर्सेज एंड हैंस नो रेशनल रिसोर्स एलोकेशन। किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी हो सकती है व्हेन कंपेयर टू द अनलिमिटेड डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो ये जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उनको एलोकेट करना टुवार्ड्स उसके लिए जरूरी है जो जिसको सबसे ज़्यादा अर्जेंट नीड है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है UN ओशन कॉन्फ्रेंस। 5 इनकी ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है विद द गवर्नमेंट ऑफ केनिया एंड पोर्टुगल बींग द को होस्ट। इसमें को होस्ट केनिया और पोर्टुगल की गवर्नमेंट थी। इसमें 130 कंट्री से भी ज़्यादा लीडर्स थे जो 5 दिन के लिए इन्होंने डिस्कशन किया है और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे पहुँचे हैं कि किस तरह से हम वर्ल्ड के ओशंस, सीज या मैराइन सोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस कम्स एट द क्रूशियल जंक्शन एट द वर्ल्ड इज सीकिंग टू एड्रेस मैनी ऑफ द चैलेंजेस। हम किस तरह से और चैलेंजेस को भी एड्रेस कर रहे हैं, कैसे हमें और क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए सो दैट हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 पूरा कर सके, दैट इज़ अ इनोवेटिव एंड ग्रीन सॉल्यूशंस। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रेट ड्राइंग, ठीक है। तो अभी क्या टर्म ग्रेट डाइंग का मतलब क्या है, प्लैनेट का जो बिगेस्ट मास एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीसीज का हैज़ वाइप्ड आउट मोस्ट न्यूली इवॉल्व्ड लाइव्स इन द ओशन। ये माना जा रहा है कि 252 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है और मार्क द एंड ऑफ परमियन जियोलॉजिकल पीरियड, ठीक है। मतलब सिंपल बात किया है, ये वो पीरियड बताया जा रहा है, डाइंग मतलब जब बहुत लोग मरे हैं, ठीक है, बहुत स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं,
ठीक है। और ये माना जा रहा है कब हुआ था, 252 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। रफली माना जा रहा है इसमें 96% जो मराइन स्पीसीज और 70% लैंड स्पीसीज ऊपर डिसअपियर हो चुकी थी। ये इतना सीवियर इवेंट था कि इसमें नियर अबाउट इन्होंने प्लांट्स के, प्लैनेट के जो हमारे अर्थ के ट्रीज, इंसेक्ट, प्लांट, लिजर्ड, उनके माइक्रोब्स को भी वाइप आउट कर दिया था, मर गए थे सब। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो प्लास्टिक्स एंड वायरसेज लिंकेज। एक स्टडी फाउंड आउट करी जिसमें बोला कि जब प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से जो वायरसेस हैं वो जिंदा रह जाते हैं और फ्रेश वाटर में इन्फेक्शन फैलाते हैं दिनों तक। ठीक है, जो भी माइक्रोबियल सेल या बायोफिल्म फॉर्म होती है सरफेस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक में, दे मतलब वो फ्रेश वाटर में रिलीज करने लग जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच कोटिंग एक तरह का हॉस्पिटेबल सर्फेस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट हॉप इनटू द फ्लोटिंग माइक्रोप्लास्टिक। नेक्स्ट है यूरेनियम डिपॉजिट्स इन राजस्थान। कुछ यूरेनियम डिपॉजिट्स मिले हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के रोहिल एरिया में। यूरेनियम एक सिल्वर वाइट मेटेलिक केमिकल एलिमेंट होता है जिसको केमिकल सिंबल ये है। नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका आइसोटोप ये है जो कि नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कर सकता है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने बोला है कि इट इज़ मैंडेटेड कि आप आइडेंटिफाई करो यूरेनियम के रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, अदर एरियाज़ कहाँ जहाँ पे यूरेनियम मिलता है, जर्दुकोवा जो कि झारखंड का एरिया और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम। रशिया ने अभी प्रॉमिस किया है कि अपने बिलारस को कि वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम को डिलीवर करेगी। इस्कंदर एम एक टर्म यूज़ किया गया रशिया के द्वारा जिसके अंदर डिफाइन किया कि बोथ द ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्च सिस्टम एंड इट्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इट फायर। ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को भी फायर कर सकती है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। वर्ल्ड बैंक ने अभी $250 मिलियन अप्रूव किया लोन इंडिया के रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए, सो दैट इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रिड्यूस हो सके, सो दैट हम अपनी रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें और भी रिफॉर्म लेके आ सकें। ठीक है, और स्पेशली ऑन हाई रिस्क रोड। इसके अलावा जो हम इमरजेंसी मेडिकल और रिहेबिलेशन सर्विसेज होती है अगर एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी स्ट्रेंथन कर सके। ये प्रोग्राम फिलहाल इंप्लीमेंट हो रहा है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है लर्निंग पॉवर्टी। अभी क्या ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल लर्निंग पॉवर्टी 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 70% ऑफ 10 ईयर ओल्ड वर सफरिंग फ्रॉम द लर्निंग बोर्ड। इसका मतलब देखो 10 साल का बच्चा है वो सिंपल एक रिटर्न टेक्स्ट तक अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है देन इट इज़ कॉल्ड लर्निंग पॉवर्टी। ठीक है, ये रिपोर्ट लाई गई है वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ और यूके गवर्नमेंट फॉरन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, USAID एंड बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। देखो इतने ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है कपिल वस्तु रेलिक्स ऑफ द लॉर्ड पुत्ता। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसे कपिला वस्तु रेलिक्स ऑफ लॉर्ड गुप्ता मिले हैं, मंगोलिया से वापस लेके आ चुके हैं, रिसीव किए उन्होंने। इसको कपिला वस्तु रेलिक्स बोलते हैं बिकॉज दे आर फ्रॉम अ साइट इन बिहार, सबसे पहले 1898 में डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द एंशियंट सिटी ऑफ कपिला वस्तु। ठीक है, इस एंटीकिट्स को AA कैटेगरी में रखा गया है विच शुड नॉट बी ऑर्डिनरी टेकन आउट, मतलब कि इसको किसी भी एग्जीबिशन के लिए नहीं रखा जाएगा। लास्ट न्यूज़ है कुछ प्रेसिस न्यूज़ में, एक सवा लेक है जो कि इराक में है, एक बायोडाइवर्स वेटलैंड है सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ समावा। ये डिसअपियर्ड हो चुका है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बना था लाइमस्टोन रॉक से और स्टार्ट विद जिप्सम फॉर्मेशंस और इस लेक में भी कोई इनलेट और आउटलेट नहीं था। इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था 2014 में। स्टडीज़ ने बोला है कि ये अंडरग्राउंड वाटर की वजह से ही लेक बना था थ्रू अ सिस्टम ऑफ क्रैक्स एंड फिशर्स। ठीक है, तो कैसे 28 जून के डेली कंट्रोवर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।